वक्फ इस्लामी बंदोबस्त होता है। धर्म से जुड़े या धार्मिक मकसद के लिए दान दी गई प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है धर्मार्थ यानी चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट अपनी मिल्कियत वाली संपत्तियों से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल धार्मिक कामों के लिए करते हैं। भारत में ऐसे बंदोबस्त वक्फ एक्ट के तहत आते हैं। इसके तहत प्रॉपर्टी की देखरेख वक्फ बोर्डों के जरिए की जाती है। एक बार दान दिए जाने पर प्रॉपर्टी वापस नहीं ली जा सकती, उसका इस्तेमाल धर्म से जुड़े कामों के लिए ही होता रहता है। स्पेसिफिकली मुस्लिम का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वक्फ जो है, वक्फ एक इस्लामिक ड्यूटी है एक्चुअली, तो इसीलिए उसके अंदर जो है मुस्लिम्स को उसके मैनेजमेंट के लिए, उसकी गवर्निंग के लिए मुस्लिम्स को इसलिए स्पेसिफिक किया गया है। जहाँ जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जहाँ तक है सरकार ये चाह रही है इसके अंदर कि इसके अंदर दूसरे धर्म के लोगों को भी शामिल किया जाए। तो जब ऑलरेडी क्लियरली तौर पर ये वर्ड स्पेसिफिक है वक्फ एक्ट के अंदर कि क्योंकि मुसलमानों के ज़रिए ये आवाम की भलाई के लिए ज़मीन दी जाती है और ये मुसलमान ही इसको गवर्न करेंगे। वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। वक्फ संपत्तियों को नामित करने के लिए गवर्निंग बॉडी को ज्यादा ताकत देने के लिए 1995 और फिर 2013 में संशोधन किया गया। एनडीए सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रस्तावित एक्ट धारा 40 को हटाने की कोशिश है। इसमें बोर्ड को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने की ताकत मिलती है। मौजूदा अधिनियम में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी देना शामिल है। देखिए, वक्फ के तहत जो प्रॉपर्टीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टेड है। वक्फ में जो प्रॉपर्टीज हैं वो वक्फ से मुतालिक जो कानून है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, जिसको हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने मान्यता दी है। उनका कहना है कि एक्ट में संशोधन के तहत बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग बोर्ड बनाने और दूसरे मुस्लिम समुदायों की नुमाइंदगी को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जा रही है। संशोधनों का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार जिला कलेक्टरों को वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सुलझाने का अधिकार देना चाहती है। सरकार वक्फ बोर्डों की ताकत कम करने के लिए कानून में 40 से ज्यादा बदलना करना चाहती है। इसका असर देश भर में 8,72,000 से ज्यादा अचल और 16,000 से ज्यादा चल वक्फ संपत्तियों की देखरेख करने वाले 32 बोर्डों पर पड़ेगा। देखिए, जो 1995 का वक्फ एक्ट था उसमें कुल 44 अमेंडमेंट किया जा रहा है, 44 बदलाव किए जा रहे हैं। वोहरा और आगा खानी मुस्लिम्स को भी अब मान्यता दे दी गई है। वक्फ को अनिवार्य रूप से घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अगर आप प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर रहे हैं तो बाकायदा उसको लिखित में स्टैम्प पेपर पर डिक्लेयर करना होगा, गवाहों के सामने होगा। तो वक्फ प्रॉपर्टी कब हुई है, कब वो दान की गई है, उस किसने दान किया है, कब दान किया है, किसके सामने दान किया है, इसका प्रॉपरली जो है लिखित इसका दस्तावेज बनेगा। महिलाओं को भी अब इस पर पूरा उनको अधिकार मिल गया है। पहले क्या हो रहा था, बाय द वे, किसी महिला को बच्चा नहीं है तो अपनी ज़मीन अपने भतीजे को, भांजे को, बहन के बच्चे को नहीं दे पा रही थी, वो प्रॉपर्टी वक्फ में जा रही थी। अब बिना महिला की सहमति के आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, उसको वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, उसमें महिला की सहमति जरूरी है। एक्ट में संशोधन के फैसले ने इसे लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या सरकार वक्फ बोर्डों की ताकत कम करना चाहती है या उसका इरादा उनके कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने का ही है।